क्या सचमुच हार्दिक पांड्या जा रहे हैं आरसीबी की टीम में? चलिए देख लेते हैं इनसाइड स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1298वां एपिसोड। आज 9 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल 2025 की हर खबर, चाहे नीलामी हो, शेड्यूल हो, रिटेंशन हो, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देते हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर इंपैक्ट प्लेयर रूल के हवाले से निकल कर आ रही है। बेशक अभी तक इंपैक्ट प्लेयर रूल के ऊपर बीसीसीआई ने 2025 के आईपीएल से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला नहीं लिया है। 2024 के आईपीएल में कुछ टीमों को यह रूल पसंद नहीं आया था और उसके बाद कई टीमों ने रिसेंटली हुई बीसीसीआई की बैठक में इस रूल का विरोध किया था। डिसीजन आना बाकी है, लेकिन भैया बीसीसीआई ने शहीन मुश्ताक अली ट्रॉफी से इंपैक्ट प्लेयर रूल को दूर कर दिया है। तो इस बार होने वाली शहीन मुश्ताक अली ट्रॉफी में इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिनभर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि अगले साल फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी होना है। अब चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में होगी ये तो आगे हमें पता होगा। इतना जरूर भरोसा है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में भारतीय टीम को खतरा है, साफ तौर पर पाकिस्तान में आतंकवाद है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए बुरी खबर निकल कर आई। बुरी खबर ये कि रिसेंटली ओडीआई सीरीज में भारत को श्रीलंका के खिलाफ तो हार मिली ही, अब भारत मात्र 3 ओडीआई मैच खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। मतलब कोई इतने ज्यादा ओडीआई मैचेस भारत के हैं नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी से जाने से पहले इंग्लैंड के साथ भारत की 3 ओडीआई मैचों की सीरीज होगी, और सिर्फ यही 3 ओडीआई मैच होंगे जिसमें ओडीआई क्रिकेट में भारत तैयारी करेगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। सीरीज तो भारत की कई है आने वाले 6-7 महीनों में, लेकिन मोस्टली वो सीरीज या तो टेस्ट सीरीज है या T20 सीरीज है, और ओडीआई सीरीज अब सीधी इंग्लैंड के साथ भारत की होगी 3 ओडीआई मैचों की। तो जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अब ज्यादा मौका भारत को मिलने वाला है नहीं अपनी ओडीआई टीम को परखने का, समझने का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। ये खबर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। मुंबई इंडियंस की टीम ने अपनी बैलेंस शीट बनाई और बहुत बड़ा बड़ा खुलासा कर दिया। 737 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू किया एक साल में मुंबई इंडियंस की टीम ने, और 109 करोड़ रुपयों का प्रॉफिट किया। रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या अंतर है हम सबको पता है। रेवेन्यू मतलब कुल जो कमाई हुई, टोटल जो इनकम बनी अलग अलग सोर्सेज से, वो 737 करोड़ रुपए थी, और इस टोटल कमाई में से जो मुंबई इंडियंस का मुनाफा था वो 109 करोड़ रुपए का था। मतलब लगभग 15% का मुनाफा कमाया है मुंबई इंडियंस वालों ने। ये जो कमाई हुई थी एडवर्टाइजमेंट के जरिए हुई थी, टिकटिंग की सेल्स के जरिए हुई थी, और इसमें सारे खर्चे हटाने के बाद भी 109 करोड़ रुपए रिलायंस वालों ने कमाए हैं, और इसी के लिए लाइक बनता है क्योंकि अब टीमें ना सिर्फ रेवेन्यू बना रही है, प्रॉफिट भी कमा रही है और 100 करोड़ का कमा रही है हर साल। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की खबर की से बात करते हैं। तो भैया रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की रिसेंटली श्रीलंका सीरीज में हार के बाद एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने सिंगल वर्ड में कहा इट इज लाइक अ जोक। उन्होंने कहा कि ये सीरीज एक मजाक थी हमारे लिए। उन्होंने अपनी सारी गलतियों को, अपनी टीम की सारी गलतियों को माना। उन्होंने कहा कि भैया इस सीरीज में ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ या तो कोई मजाक हो रहा है या फिर हम खुद ही जोकर हैं। और रोहित शर्मा ने माना कि अगर ऐसा ही खेल खेलते रहे तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको बता दूं T20 में भारत की वर्ल्ड कप जीत के बाद अब भारत के पास ज्यादा ओडीआई मैचेस बचे नहीं है, और श्रीलंका के खिलाफ ये 3 ओडीआई मैच भारत के लिए एक कड़ी अग्नि परीक्षा के समान थे। लेकिन अब क्योंकि ओडीआई में रोहित शर्मा ने बयान दे दिया है, अब आपको मैं बता दूं एक सीधी पिक्चर, अब आने वाले 6-7 महीनों में रोहित शर्मा विराट कोहली ज़्यादा मैचेस आपको दिखेंगे नहीं। मोस्टली T20 सीरीज होंगी तो उसमें आपको ये दोनों दिखेंगे नहीं, दोनों का संन्यास है। टेस्ट मैचों में दिखेंगे, और अब सीधा जो दिसंबर जनवरी में ये दिखेंगे आपको इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओडीआई सीरीज में एक साथ ओडीआई क्रिकेट रंगीन जर्सी पहने हुए हैं, और ये सचमुच भारत के लिए अभी तो अच्छा नज़र नहीं आ रहा, अच्छे संकेत नहीं है। आगे बढ़ते हैं पांचवी रिपोर्ट की खबर की आसे बात करते हैं। तो शार्दुल ठाकुर ने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि धोनी भाई ने मुझसे कहा है टुमारो आई विल नॉट बी देयर बिहाइंड द विकेट। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं पीछे नहीं होऊंगा विकेट के, और आपको आपके फैसले स्वयं लेने पड़ेंगे। शार्दुल ठाकुर को पिछले साल के आईपीएल जो 2024 का हुआ उसमें कई मैचों में बाहर बिठाया गया। रीजन यही था कि ठाकुर उस तरह की लय में नजर नहीं आए, और जब उनसे पूछा गया इस बाबत तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वो धोनी से जब बहुत सारी चीजें पूछने लग गए थे कि कहां गेंदबाजी करूं, कैसी फील्ड सेट करूं, तो धोनी ने उनसे कह दिया कि भैया अपने हिसाब से करो क्योंकि कल मैं नहीं रहूंगा विकेट के पीछे। जाहिर है धोनी ने एक संकेत दिया कि बहुत लंबा समय अब उनका बचा नहीं है एज अ प्लेयर आईपीएल में। आपको बता दूं 43 साल के धोनी हो चुके, अगले साल का खेलेंगे, उसके बाद जुलाई में जो है
44 साल के हो जाएंगे और शायद बहुत कम ऐसे क्रिकेटर रहे हैं आईपीएल में या दुनिया के क्रिकेट इतिहास में जो इतने लेवल का कॉम्पिटेटिव क्रिकेट दुनिया की सबसे बड़ी लीग खेल रहे हैं इस उम्र में। तो लाइक तो बनता है, आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो भैया भारत के लिए अच्छी खबर आई, ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिला हॉकी में। कल हॉकी का मैच था, शाम को इंडिया का स्पेन के साथ मैच था, भारत ने स्पेन को हरा दिया। भारत के 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हो चुके हैं अंक तालिका में। ये ओलंपिक कई सवाल भी खड़े करता है, 140 करोड़ लोगों में से आखिर ऐसा क्या है कि हम लोग मेडल नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो बहुत सारे मेडल्स ला रहे हैं। भारत अभी 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। आपको बता दूं दोस्तों कि खेलों के ऊपर स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी योजना की ज़रूरत है, जिसमें हमारे देश के कई लोग जिनके पास काफ़ी ज़्यादा जो टैलेंट होता है, कई बच्चों के पास काफ़ी टैलेंट होता है स्पोर्ट्स में, चाहे वो दौड़ में हो, चाहे वो लॉन्ग जंप में हो, कई स्पोर्ट्स हैं, लेकिन भैया क्योंकि सिस्टम नहीं है हिंदुस्तान में खेलों का, कोई एक खेलों में कोई भविष्य नहीं दिखता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति खेल से थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये ओलंपिक से सबक लेने की आवश्यकता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आए, और क्योंकि देखो यार अच्छा नहीं लगता जब आप पूरी तालिका देखते हो और भारत 60वें और 70वें नंबर पे आपको दिखता है। इतना महान देश, इतना बड़ा देश इतने नीचे क्यों है, और हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं साथी वाली रिपोर्ट की बात करते हैं। क्या सचमुच हार्दिक पांड्या आरसीबी में जा रहा है? कई सारे न्यूज सोर्सेज ने खबर चलाई है, एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें हार्दिक पांड्या आरसीबी की जर्सी में नजर आ रहे हैं। तो क्या सचमुच पांड्या अगले साल के आईपीएल में आरसीबी में खेलते हुए नजर आएंगे? पांड्या को लेकर क्या क्या हुआ है अभी तक सब समझते हैं। देखो हुआ यह है कि मुंबई इंडियंस के हवाले से सोर्सेज की कुछ रिपोर्ट है कि भैया मुंबई इंडियंस वाले सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाना चाहते हैं और हार्दिक पांड्या को निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलने से मना कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में मुंबई इंडियंस वालों के पास दो चॉइस है, या तो पांड्या को रखो या फिर इन तीन बड़े खिलाड़ियों को रखो, और मुंबई इंडियंस वाले ये तीन बड़े खिलाड़ियों को रखेंगे। ऐसी स्थिति में हार्दिक पांड्या नीलामी में जाएंगे। अब बड़ी बात रही आरसीबी में जाने की, तो देखो आरसीबी को जरूरत तो है हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या दो रोल लेकर आते हैं, भविष्य में आपको कप्तानी का भी एक ऑप्शन देते हैं। हार्दिक पांड्या अभी भी कप्तान बन सकते हैं, फाफ डुप्लेसी से 40 साल के हो गए, तो वही दूसरा ऑप्शन हार्दिक पांड्या लेकर आते हैं, और सबसे बड़ा ऑप्शन वो एक ऑलराउंडर का है। आरसीबी को एक ऑलराउंडर की सख्त आवश्यकता आरसीबी के पास नहीं है। कैमरन ग्रीन इन्होंने पिछले बार लिए थे, वो फ्लॉप हुए थे और वो रिलीज होने वाले। ऐसी परिस्थिति में पांड्या वहां पर एज इंडियन प्लेयर फिट बैठ सकते हैं, तो आरसीबी को दो अहम स्थानों पर पांड्या की आवश्यकता है। दैट्स व्हाई दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि पांड्या हमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो टीम है उसमें जाते हुए नीलामी में नजर आ सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, जब नीलामी में कोई खिलाड़ी जाता है तो फिर सभी लोग बोली लगाते हैं और कुछ कंफर्म नहीं होता, कहीं भी प्लेयर जा सकता है। तो या तो आप ट्रेड करो, ट्रेड शायद मेगा ऑक्शन से पहले करना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसे ज्यादा बैलेंस पर मेगा ऑक्शन से पहले नहीं होंगे। अब मुंबई रिटेन कर तो ट्रेड करेगी नहीं, जैसे पिछले साल हुआ था, गुजरात टाइटंस ने पहले हार्दिक पांड्या को रिटेन किया था और उसके एक घंटे के अंदर में मुंबई इंडियंस की टीम में ट्रेड कर दिया था, क्योंकि उस समय आप ज़्यादा खिलाड़ी मिनी ऑक्शन तक कर सकते थे रिटेन पर। अब क्योंकि मेगा ऑक्शन है तो मुंबई ऐसी चीज़ तो करेगी कि नहीं कि भैया पहले पांड्या को रिटेन कर लिया और बाद में ट्रेड करा दिया आरसीबी में, तो ऐसा होगा नहीं। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों पांड्या को लेकर बहुत सारी चीज़ें सही भी हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं आठवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। तो भैया नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिल गया है ओलंपिक्स में। हालांकि सिल्वर मेडल इस साल के ओलंपिक्स का जो सबसे तगड़ा प्रदर्शन है वो सिल्वर मेडल ही है, और वो नीरज चोपड़ा ने लेकर आए, लेकिन हिंदुस्तान के लिए उतनी खुशी की बात कल क्यों नहीं हुई मुझे समझ नहीं आया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, तो वही बात है दोस्तों कि एक ऐसा स्पोर्ट था जहां पर हम रूल कर रहे थे और उसमें भी अब पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कल गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। लगभग 93 मीटर का उन्होंने जो है जैवलिन फेंका और पूरी दुनिया हैरान रह गई इतना लंबा जैवलिन देकर, क्योंकि अरशद नदीम के अलावा और कोई भी ऐसा एथलीट नहीं था जैवलिन थ्रो में जो 90 मीटर को पार कर पाया। उसके बाद सीधे नीरज चोपड़ा थे जो 89.3 के आसपास थे, वो भी 90 मीटर को पार नहीं कर पाए। तो जाहिर है डिसअपॉइंटमेंट रहेगी हर एक हिंदुस्तानी के अंदर में, लेकिन फिर भी भाई हमने सिल्वर मेडल जीता है, बहुत बड़ी बात है ये। बेशक वो हर हिंदुस्तानी का सपना था कि गोल्ड मेडल हो, राष्ट्रगान का वादन किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। आगे वाले समय में और एथलीट से जो आज खेलेंगे, लेकिन ठीक है भाई नीरज चोपड़ा के लिए लाइक जरूर बनता है, क्योंकि सिल्वर मेडल ओलंपिक्स में जीतना कोई मजाक कोई हलवा नहीं है भाई। अपना पूरा जीवन त्याग देता है एक एथलीट तब जाकर वहां पर खेल पाता है, और भैया हमारे नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल लाया। कल से सोशल मीडिया देख रहे हैं तो एक ही चीज निकल कर आ रही है, भैया गोल्ड क्यों नहीं जीता? भाई गोल्ड के आपका नाम तो लिखा नहीं है, आपको खेलना पड़ेगा वहां, पहली चीज। दूसरी चीज,
भाई आप ऊपर से नीचे तक का दम लगा दोगे ना, उसके बाद भी दुनिया का सबसे बड़े एथलीट्स वहां आकर खेलते हैं, वो ओलंपिक्स है, और उसके बाद भी सिल्वर मेडल जीता है, लाइक बनता है बहुत बड़ा। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। नीरज चोपड़ा ने अर्शद नदीम पर बड़ी बात कही, उन्होंने कहा आई वॉज नेवर लॉस्ट टू नदीम, मैं पहले कभी नदीम से हारा ही नहीं। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा यह पहली बार था जब मैं अर्शद नदीम से हारा और वो ओलंपिक में खराब दिन था मेरा। तो डिसअपॉइंट नीरज चोपड़ा भी है, वो खुद बोल रहे हैं कि मैंने सिल्वर जीता है लेकिन मुझे उतनी खुशी नहीं हो रही क्योंकि गोल्ड मेडल मुझे दिख रहा था, और ये जज्बा भाई हर स्पोर्ट में हर खिलाड़ी में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दसवीं बड़ी खबर की, दसवीं बड़ी रिपोर्ट क्या से बात करते हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्ट विनेश फोगट के हवाले से निकल कर आ रही है, कल डिसक्वालिफिकेशन के बाद फोगट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा रेसलिंग जीत गई, मैं हार गया, हार गई। उन्होंने कहा कि भैया ये 100 ग्राम के चक्कर में मेरा पूरा करियर एक तरह से दांव पर लग गया। बड़ी बात यह है दोस्तों, और कुछ चीज़ें कुछ रिपोर्ट ऐसी निकल कर आई सचमुच हैरान करने वाली है। विनेश फोगट 53 किलो की कैटेगरी में लड़ने वाली प्लेयर है और ओलंपिक की शुरुआत से पहले उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन 53 किलो की कैटेगरी में ही कराया था, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उनका रजिस्ट्रेशन 50 केजी की कैटेगरी में कर दिया। अब ये क्यों किया ये तो वही जानता है। जाहिर है विनेश फोगट ने बड़ी मुश्किल से अपना 3 किलो वेट मात्र 2 महीने में कम किया ताकि वो ये 50 किलो की कैटेगरी में खेल सके, और उसके बाद भी भाई वो 100 ग्राम कम करना बहुत असंभव चीज़ थी रात भर में, लेकिन फिर भी वो 100 ग्राम बचा रह गया। तो कहते हैं ना कि भाई जब सब कुछ बुरा होता है ना तो फिर अच्छी चीज़ें भी एकदम से पलटती है, और वही चीज़ हुई। मेरे हिसाब से अगर ये 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती तो शायद मेडल का मैच खेल रही होती, क्योंकि 53 कैटेगरी उनकी एक नेचुरल कैटेगरी है, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्हें बाध्य किया कि नहीं आप 50 किलो में खेलो। शायद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को यह चाहता ही नहीं था कि ये लड़की गोल्ड मेडल जीत कर आए। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, बहुत पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी बातें होती है। एक खिलाड़ी अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, अपने बाल भी कटा रहा है, अपने अंदर से खून भी निकाल रहा है, और कुछ चंद लोग भाई जो गवर्नमेंट का नाम भी खराब करते हैं, खिलाड़ी का नाम भी खराब करते हैं। अब इसके आगे आप मैं क्या बोलूँ भाई, एक गोल्ड मेडल था हिंदुस्तान के खाते में जो गया है। डिस्क्वालिफिकेशन में कई लोग सवाल विनेश फोगट पर उठा रहे हैं, उन लोगों को भाई शर्म आनी चाहिए। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक खिलाड़ी ने अपना सर्वत्र दिया है अपने देश के लिए, और जो सवाल उठा रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया इस देश के लिए। तो आप देखो भाई कि एक प्लेयर अपने बाल भी कटा रहा है, अपना खून भी निकाल रहा है, और उसके बाद भाई ये डिस्क्वालिफिकेशन आ जाता है। सवाल उठता है दोस्तों पेरिस ओलंपिक्स कमेटी पर भी कि आखिर वो 100 ग्राम की कैटी ऐसी क्या बात थी कि वो बिल्कुल उस पर माने ही नहीं। बहुत सारे सवाल उठने चाहिए। हिंदुस्तान का एक गोल्ड था यार, वो गोल्ड पक्का था भाई हिंदुस्तान के लिए। मुक्केबाजी में भी कल मेक्सिको के खिलाफ कल परसों के दिन यही चीज़ें निकल कर आई। हमारे जो एक मुक्केबाज थे उन्होंने एकदम पूरे सामने वाले मेक्सिको के मुक्केबाज को चित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुक्केबाज को हरा दिया गया और मेक्सिको वाले को जिता दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें पेरिस में भी चल रही हैं भाई, जो पर्दे के पीछे चल रही हैं। और बेशक हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए खेलों का, लेकिन दूसरी तरफ ये जो ओलंपिक्स कराने वाली कमेटी है ना, यहाँ पर भी बहुत भ्रष्टाचार होता है, और ये लोग भाई अपने विदेशी प्लेयर्स को जिताते हैं और हमारे हिंदुस्तानी प्लेयर्स को हराते हैं। तो कई जगहों पर दिक्कतें हैं, लेकिन यार मिलकर सॉल्व होगी, और इसीलिए हिंदुस्तान के लिए एक लाइक बनता है, देश के लिए एक लाइक बनता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाइए।